exciting it was to create a different house this time with the jungle theme. Oh, it's a completely mind-blowing thing because we've been doing this for so many years. This is the first time a garden becomes a jungle. Okay, and yes, everybody's seen the Bigg Boss OTT, and to change it within 1 week, it was like crazy thing. And jungle has to look pretty, but yet Daravna, yet the mosquitoes and the keedas should come. So obviously the bandars though as it is are there. But you know, the jungle banane ke liye normal jungle nahi bana rahe. Hum thoda aesthetically bhi karte hain. Isliye raat ko ye jungle अलग एक रूप दिखाता है अपने को, यू नो द लाइट्स जो आ रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट ओवर देयर इज द विश्व सुंदरी ट्री. ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड आई पूरी जान डाल दी. मतलब अनीता ने बोला क्रिस्टल लगाओ इसके ऊपर, यू नो मिर्ची लगाओ, एंड इट हैज लुक ब्यूटीफुल. बट हाँ, अगर आप देखोगे जो वो एक पूरा एल जो दिख रहा है, ये हम अंदर आ गए हैं. एक बाहर का एरिया है, एक अंदर का एरिया, एंड बिग बॉस का मेन घर वो दूसरी जगह है. वहाँ लग्जरी है, यहाँ लग्जरी नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल है. और यू नो ये था कि डिज़ाइन करते वक्त हम कितना उसको यू नो जंगल मतलब कीचड़ उचड़ डालना है वैसा तो है नहीं, लेकिन प्रिटी लगना चाहिए. तो प्रिटी के वजह से हम हर जगह से लाइट्स लटकी हुई हैं, अवतारिश फील आएगा, रात को पूरा ग्लो होने वाला है, यू नो. तो वो ब्यूटीफुल चीज़, मैं उसके लिए रुका हूँ. आप दिन में आ गए, लेकिन रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है. देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसको टीवी पर कैसे दिखेगा उस पर है, यू नो लाइटिंग कैसे करेंगे. इस टाइम हमने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, पता है, एक्स्ट्रा लाइट लगाई है बिकॉज हम रात को वैसे लाइट नहीं करते. रात को हमेशा वही लाइट थोड़ा डिम हो जाता है. इसमें हर ट्री बात करेगा, मतलब ट्री बात करने वाला एक ही है जो विश्व सुंदरी है, लेकिन जो लाइट्स लगा रहे हैं, जो टैपल इफेक्ट आएगा फ्लो पर, ऐसे लगेगा कि आप रियल जंगल में हो, यू नो. और उनको ये भी है कि हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर कहाँ सोएंगे, यहाँ सोएंगे, बाहर कहाँ सोएंगे, किस पर सोएंगे वो भी पता नहीं है. तो वहाँ रख के हर चीज़ वो देखेंगे, यू नो लाइट कौन सा है. और जैसे मैं बता रहा था कि अवतार फील जो होता है ना, बिकॉज अवतार एक कर लिया, तो उस हिसाब से एवरीथिंग इज ओवरग्रोन. देयर इज एन ऑस्ट्रिच देयर, देयर इज अ चिंपैंजी, द लिजर्ड्स, द कैमेलियन, सब डाल दिया है. और वहां छोड़ के घर में भी हमने एनिमल्स डाल दिए, तो ब्यूटीफुल हियर एंड हियर थोड़ा डरावना. वो खुफिया हैं और वो खुलने पर ही आपको पता चलेगा कि कहां क्या क्या छुपा हुआ है. हर जगह आप जा नहीं सकोगे, तो जहां नहीं जाओगे वो खुफिया जगह है. वो एग्जैक्टली आपने जो पूछा, बहुत ही ये होता है कि हम अगले साल क्या करेंगे, अभी से सोचने लगते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होंगे. लेकिन क्या ना, एक्साइटमेंट इतना होता है ना, तो इट्स लाइक माय ओन हाउस, यू नो. मैं देता हूँ बिग बॉस, मेरी तरफ से आपके लिए घर है, तो उतने ही प्यार से हम बनाते हैं, मतलब जी जान लगाते हैं. आप अगर देख रहे भी हो, तो अभी आप आने से पहले ये जो पत्ते फेंके हुए हैं, तो जंगल में कैसे पत्ते फेंकते हैं वो भी हम सोचते हैं. तो डिज़ाइन करते वक्त मज़ा ये आता है कि और क्या दिखाएं. हर साल हम करते जा रहे हैं, OTT कर रहे हैं, मराठी कर रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं. अब ब्यूटीफुल चीज़ है, थीम आ जाता है, तो इजी पड़ता है डिज़ाइन करने में. लेकिन ये भी होता है कि अगले साल से बेटर. अगले साल का मेरा फैंटास्टिक था, दिस टाइम आई थिंक ये मेरा सबसे बेस्ट है. यू नो जो वनीता भी आती है, हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं. एंड लाइक मैंने बोला कि मैं जानवर लगाएंगे, तो वनीता बोली जानवर नॉर्मल तो क्या होगा, चलो उसको विंग्स लगा दिए. तो ये थीम इस टाइम का बन जाता, अपने आप बन जाता है, यू नो. लाइक कम फ्लाई विथ मी इज़ अ थीम, और एनिमल्स एंड द विंग्स, इसको मिला के अच्छा चलो अभी सब जगह बैठ सकते हैं. अब जब अंदर जाओगे तब आपको दिखाएंगे कि विंग्स का क्या यू नो असर पड़ने वाला है इस पूरे सीजन में. इस टाइम हमने ज़्यादा लगा दिए हैं. ओके, लास्ट टाइम तो 90 के ऊपर थे, इस टाइम तो आई थिंक ज़्यादा ही लग गए. लाइट्स वाइट्स सब चीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया, बिकॉज दिस द होल ब्यूटी ऑफ दिस सीजन इज द जंगल. यू नो जंगल में क्या मंगल होने वाला है वो आप तो देखते रहोगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, एक्स्ट्रा सबको प्रूव करने जा रहे हैं. जब तक OTT बना था तब मैं मेन घर देख रहा था, लेकिन अभी जंगल देखिए इतना प्यार आ रहा है मुझे कि मैं उधर ही रहने वाला हूँ. लेकिन हाँ, रात में रहा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला उधर. लेकिन द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द जंगल इज दैट यू नो रोमांस है उसमें, यू नो ट्री बोल रहा है, तो कुछ कुछ यू नो एक्सोटिक क्वालिटी है उस जंगल में. देखो वास्तु मैं डिजाइन कर लेता हूँ, फिर वास्तु के हिसाब से हम रीअरेंज कर देते हैं, या तो कुछ यू नो चेंज हो जाता है. अब वास्तु अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, झगड़ा करना है वो नहीं कर, वो मुझे पता नहीं. मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, बाकी ये जो काम है वो उधर आके करते हैं वास्तु का. सुंदरी, हाँ
मेरे को एक ब्यूटीफुल ट्री चाहिए था जो विश्व सुंदरी जैसे लगे, तो इसलिए हमने वही कोशिश की है कि आवाज़ किसी भी हो, लुक इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि इट विल सूट द वॉइस, ओके, एंड उस हिसाब से द क्रिस्टल्स आर हैंगिंग, द मिर्ची लाइट्स आर हैंगिंग, यू नो थोड़ा अथीरियल जब बात भी होगा तो इट्स लाइक आह ये ट्री बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डिज़ाइन तो हमने कर लिया है, आवाज़ तो आपको पता ही होगा कौन बात करने वाला है, कैसे बात करने वाला है. We can talk here only because वहाँ पूरा ये है, okay? So, Umang, tell us how different is the main house compared to the jungle. बहुत luxurious दिख रहा है हमें, but main house is basically luxury 10 times more, okay? Not even luxury, it's beautifully swanky thing. अब swanky में हम अपना डाल देते हैं, तो obviously हर चीज stand out होएगा. छोटी से छोटी चीज वहाँ stand होगी. देखते हैं आप लोग कौन जाके एक चीज पकड़ेगा जो एक chessboard है. आप सोचो वो chessboard कैसे लगाया मैंने. अब वो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं. बट येस द किचन इज स्वैंकी, इट्स ब्यूटीफुल ग्लास मिरर्स, एंड ये क्वालिटी क्या होता है ना, जब मैं आर्ट डायरेक्शन करता हूँ तो वनीता जो प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं उनका माइंड कैसे चेंज होता है मेरे पर, तो उसमें द कॉम्बिनेशन वर्क्स सो ब्यूटीफुली कि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं. हमको चाहिए था एक ऐसा किचन जो एकदम ब्यूटीफुल लगे, दैट्स व्हाई द फेसेस केम इन. देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टैग, द रेड स्टैग, इट्स सो ब्यूटीफुल. यू नो क्या होता है ना, हम अपने आप, हमारा घर है, कंटेस्टेंट भी हम ही बन जाते हैं. अगर मैं इधर बैठा हूँ तो क्या देख रहा हूँ मैं, अच्छा ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, इससे बात होगी, तो उसमें कंटेंट मिलता है. एंड लग्जरी वाइज द बेडरूम इज स्वैंकी, एंड हमने जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स अंदर आ गए, ओके, हर जगह एनिमल्स के लैम्प्स है, शैंडलियर्स है, सब चीज़ है, एंड विंग्स, विंग्स जैसे आप बाहर देख रहे हो, सेट पर भी देखोगे, मेन शो में भी देखोगे, हर जगह विंग्स लगा दिए. तो क्या क्या विंग्स हो सकते हैं वहाँ, ओके, जैसे मतलब छोटी छोटी जो फेसेस है उधर, यहाँ विंग्स है, द बिग विंग्स ओवर देयर, बेडरूम में बड़े लायन के विंग्स है, तो उस हिसाब से लग्जरी बट इन अ वे दैट द एनिमल्स हैव कम इन, सो दैट्स व्हाई. एंड इट्स वेरी चक चक कड़क, बहुत सारे लाइट्स यूज किए. आई मीन द वे आई एम टॉकिंग ना, आई एम सो एक्साइटेड, लाइक यू नो आप जाके देखो, इट्स ब्यूटीफुल. It's swanky. It's swanky. आपको देखने नहीं मिलेगा अभी, लेकिन it's swanky. It's beautiful. It's a you know luxury 10 times fold. It's royal. It's rich. That is what it is. देखो हर छोटी चीज होना पड़ता है, बिकॉज इतना फिनिकी है हम लोग ना, कि अगर ड्रॉ खोलें तो उसके अंदर कचरा नहीं दिखना चाहिए, बॉर्डर भरा होना चाहिए, क्रिस्टल खड़े है तो कितना होना चाहिए, सर पर लगे तो क्या लगेगा, यू नो बल्ब आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, बिकॉज ए डायरेक्शन के हिसाब से मैं देखता हूँ. अगर आदमी कोई बैठा है तो क्या है, तो हम कैमरा लेके देखें, हाँ दिस अ ब्यूटीफुल फ्रेम, दिस अ ब्यूटीफुल फ्रेम, हाँ ट्री के साथ में ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब लोग बैठे हैं तो उसके पीछे क्या है, तो वो सब ध्यान देना पड़ता है और वो यू नो इनबिल्ट आ जाता है. बट जो छोटी छोटी जो डिटेल जो छोड़ देते हैं हम, वो मैं कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़ता हूँ, यू नो ये बाद में दो महीने के बाद, अरे यार ये तो देखा ही नहीं, ये ऐसे कैसे कर दिया, तो वो मजा जो होता है ना, मैं जब टीवी पर देखता हूँ उसका मजा अलग होता है. कौन सा एक घर का कॉर्नर है जो आपको लगता है इस बार हाईलाइट? हाईलाइट आई थिंक द विंग्स विल बी हाईलाइटेड ओवर देयर, एंड यहाँ जब देखोगे तो विश्व सुंदरी है, एंड द पूल हमने एक डिफरेंट टाइप कर दिया है, जो ब्रिज लगा दिया है, तो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड मजा ये है कि रात का जो हमने लाइटिंग स्टैम्प किया ना, इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इल बी द नियॉनिश फील आ जाएंगे, ये सब ग्लो होने वाले हैं, सब पूरे जो दिख रहे हैं ना, इसके यहाँ पूरे फ्लोरोसेंट ये पेंट लगे हुए हैं, तो रात को बात करेंगे जैसे कि नो क्रिकेट से, एंड हम लोग साउंड इफेक्ट भी डालने वाले, तो वो मजा आएगा. मेन हाउस आई थिंक द किचन इज स्टूड आउट वेरी ब्यूटीफुली, ओके, आई मीन पिक्चर परफेक्ट किचन है, एंड उसमें टेबल भी इतना ब्यूटीफुल है, द चेयर्स आर ब्यूटीफुल. सो ये हमने पहले नहीं किया है, तो देखने के लिए ना, एंड द मिरर्स हमने पहले ऐसे लगाए नहीं थे, मिरर दिख रहे हैं हम लोग जो अंदर है, ये मिरर किचन ब्यूटीफुली स्वैंक, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट मच कलर्स, इनसे एक रेड स्टैक, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट. Main house bedroom is a nice swanky thing, okay, where it's yellow as the theme and animals all over. There are these people who are getting out, as in the diwar mein ghuse hue hain, to bahar aane ki koshish kar rahe hain, to wo sab agar aap ja ke dekhoge to wo sab dekhna, okay. Washroom ek hi hai, sorry, ha washroom ek hi hai, washroom is the jungle theme, and that is the beautiful thing of, you know, andar jaate because itna talking hota hai, itna play, you know, baat karte hain udhar, messy bhi kar dete hain, to luggage area bhi hai, but ha jungle theme continued over there, to bathroom bhi waise hi hai, and beautiful lamps over there, the roots are climbing on top, you know, to aur usme bhi valleys jo gaye hain, it's a beautiful beautiful place. Umang, if you have to rate the house, how much score? From 100 to 100. It's I think it's the beautiful, the best set that we've done. So, thank you so much.